जनपद श्रावस्ती गिलोला ब्लॉक के नका धर्मनगर के निवासी राम नरेश सहित 50 परिवार के लोगों को पिछले 20 साल से रास्ता खराब होने के वजह से आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं रईस अहमद, ये मेरा समुदाय। रास्ता नहीं सही है, रास्ता में आवे जाए में दिक्कत पड़ते, तालाब है तो उसमें पानी भरा है जो न ले ले, और जब काफ़ी बरसात हो जाता है तब पैराव हो जाता है, दूसरे द्वारे फिर निकला जाता है। कितने लोगों का आना जाना है? 50 आदमी है आना जाना, और रास्ता है तो सभी गांव भर जब जरूर लगी तब निकली है। रास्ता तो 20-25 साल से खराब है, हम जब से रही थे तब से जानी थे इस समय। तब से आपने किसी से मांग नहीं किया? बहुत मांग करा लेकिन कोई नहीं, पंच प्रधान कोई नहीं करा। क्या कहा? अरे कई दिन जाते बस सुन लिया था, बस मामला खत्म। ये रास्ता का परेशानी बहुत है कि निकल नहीं मिलते, आगे ताल है, यहाँ घर है, पराय द्वारे में निकला जाता है, हमका सबका बड़ी दिक्कत है, चूहना भरे पानी में ही निकला जाता है। कितने लोग इस रास्ते से निकलते हैं? 50-60 मना ही निकला था। ये रास्ता कब से खराब है? 25 साल से। तब से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं सुनवाई, पर कईयों चक्कर आवा प्रधान नहीं पटाई, सब लौट गए तक हफ्ता। तो बताइए आपको क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी हमें यह कि रास्ते में चीला पड़ता है, लड़के बच्चे में पढ़े जाने में दिक्कत है, लेटरिन में जाने में दिक्कत है, ये सब दिक्कतें हैं। बरसात में अगर बरसात है तो पानी भर जाता है, बस तो सूख जाता है, लेकिन बरसात में बहुत दिक्कत पड़ती है। इसके लिए आपने कभी प्रयास किया है? जी, प्रधान जी से कहा गया तो प्रधान जी कहें आज नहीं कल हो जाए, कल नहीं परसों हो जाए, तब से उनको कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस रास्ते पे खड़ंजा लगवाया जाए ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो सकें। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध करता हूँ कि यह गिलोला ब्लॉक वीडियो का नंबर है 94-54-46-48-56 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।